नमस्कार, मैं हूं सुदफ खान। आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। अरावली इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद की प्रिंसिपल रीमा रॉय ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है और शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ न भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। और आज के इस युग में सबसे दुख बात यह है कि आज गुरु और शिष्य के बीच वो भावना नहीं रही जो एक दूसरे के प्रति पुराने समय में रहा करती थी। इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल और 81-85 दोनों स्कूल को हेड कर रही हूँ। मैडम, शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार दीजिए। एजुकेशन हमेशा इम्पॉर्टेंट रही है। मैं ये नहीं बोलती कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई का मतलब है कॉन्फिडेंस लेवल गेन करना। मुझे लगता है आजकल के बच्चों को बुकवर्म बनाने से ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब उसमें हम शिक्षा में क्या चेंजेस करते हैं, जैसे मैं आपको पहले बताती हूँ, हमारी भारत को मैं बहुत ही स्किलफुल कंट्री मानते थे। अगर हम देखेंगे कि महाभारत के टाइम सारी जो बेस्ड ऑफ एजुकेशन थी स्किलफुल थी, पर ग्रेजुअली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद वो एजुकेशन ख़त्म हो गई और हम रोट लर्निंग की तरफ चले गए। तो हम मतलब डिफॉल्ट उसका ये रहा कि आजकल जो हम बच्चों को इंगेज करके रखते हैं जिसमें उनकी स्किल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, वो ख़त्म हो गया। अगर हम वो अपने करिकुलम में डालें और हम ये चाहें कि जो बच्चा खुद सीख के कर सकता है वो कुछ और उससे ज़्यादा कुछ याद नहीं कर सकता, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक स्किलफुल एजुकेशन अपने करिकुलम में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हैंड ऑन वर्क होगा, बच्चा इंगेज रहेगा, खुद सीखेगा कि उसमें क्या गलती है, उसे कैसे ठीक करना है, और फिर उसके बाद जो हैप्पीनेस या जो एप्रिसिएशन मिलती है वो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल गेन करती है। पढ़ाई तो बाय डिफॉल्ट घर में भी माँ बाप करा ही देते हैं, बट स्किलफुल एजुकेशन मुझे लगता है स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। मैडम, नैतिक मूल्यों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? मैं तो तीनों को ही जिम्मेदार बनाती हूँ इसमें। रीजन बिहाइंड, बच्चे का सबसे पहले जो सोशल वैल्यूज़ की बात होती है तो वो घर से शुरू होती है। अगर हमारे घर में ऐसा कल्चर नहीं है तो बच्चा उसी कल्चर को अडॉप्ट करता है। पहले हमारे यहाँ बहुत संस्कारों की बात होती थी जो अब बिल्कुल बंद हो गई है। कसूर बहुत कुछ है, पहले जॉइंट फैमिली बैठी होती थी, दादा दादी का सहयोग बहुत होता था, पर अब वो सब कुछ बंद हो गया। न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, जितना भी टाइम बचा जाता है तो उसको हम क्वालिटी टाइम नहीं बोलते हैं।
तो वो क्वांटिटी कैसे रिप्लेस की है उन्होंने, लग्जरीज प्रोवाइड करके। जब आप किसी बच्चे को उस चीज़ की अहमियत का बताओगे नहीं कि उसे वो क्यों मिल रही है, तो उसे कभी इस डर की जानकारी मिलती नहीं है। तो मैं ब्लेम करती हूँ पेरेंट्स को भी कि जो टाइम बच्चों के साथ स्पेंड नहीं करते। उसकी बात करती हूँ स्कूल को, क्योंकि स्कूल का एक कल्चर हो गया है सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, सिलेबस। अगर हम एक क्लास या एक मोटिवेशनल सेशन या एक वैल्यूज़ का सेशन क्लास में रेगुलरली बच्चों को मोटिवेट करते रहे, क्योंकि 21 दिन में एक आदत बनती है और हम उसका मौका नहीं देते। मैं ये चाहती हूँ कि स्कूल में टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अगर अपने 10 मिनट क्लास शुरू होने से पहले एक सोशल वैल्यू पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दे दें और वो रोज़ की रूटीन में दे दें, तो शायद बच्चों में कुछ फ़र्क हो। कम्युनिटी को इसलिए ब्लेम कर रही हूँ क्योंकि कम्युनिटी से एक्सपोजर बच्चे का ज़्यादा है। अगर बच्चा कम्युनिटी में इंटरेक्ट नहीं करेगा तो वो कुछ सीख नहीं पाता। बट हम किस कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे लोगों से मिल रहे हैं, वो चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। मैडम, यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्स एजुकेशन, बिकॉज जो एक्सपोजर सोसाइटी का बाहर हो रहा है, हमारे को बताना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। मुझे लगता है क्लास 5 ऑनवर्ड्स ये काम करना ज़रूरी है कि जिसमें थोड़ी सी बच्चे को एडोलेसेंस एज में समझ आती है उसके लिए क्या ठीक और क्या गलत है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर हाँ, हमारी संस्कृति हमें शायद अलाउ नहीं करती, तो हम इसलिए ओपनली इसके लिए बात नहीं करते। पर अगर हम एनवायरनमेंट की हालत देखें, मुझे लगता है कि हमें क्लास 5 से उसे कर लेना चाहिए। मैडम, आज प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है कि शिक्षा को इन्होंने एक व्यवसाय बना दिया है। आज शिक्षा नए होकर के एक 5-स्टार होटल बनती जा रही है, आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? सर देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं इस बात को डिनाई भी नहीं करती हूँ कि स्कूल बिजनेस हब्स बन गए हैं, बट अभी भी ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ वैल्यूज़ और एजुकेशन के ऊपर ही रिलाई करते हैं। अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और स्कूल से कम नहीं है, बट अगर आप फी का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो बाकी एवरेज स्कूलों से कम है। द रीज़न बिहाइंड इससे, मैं पूरा श्रेय अपने चेयरमैन मिस्टर बड़ाना को देना चाहती हूँ, जिन्होंने एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए स्कूल्स खोले हैं, बिजनेस बनाने के लिए नहीं। वो कहते हैं कि बिजनेस बनाने के लिए बाकी चीज़ें ज़रूरी है, बट स्कूल को स्कूल की तरह पे रहने दो।